हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जेन मोबाइल में FRP लॉक कैसे अनलॉक करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट करते जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करा लेना होगा। और ये देखिए, यहाँ पर हमको ईमेल आईडी नहीं पता है। यहाँ से वाईफाई कनेक्ट कराने के बाद अब हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इमरजेंसी लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद ऊपर इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन लिखा है, यहाँ पर डबल टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ एडिट बटन साइड में बना हुआ है, इस पर टैप करेंगे और यहाँ कॉन्टैक्ट पर टैप करेंगे। उसके बाद एडिट कॉन्टैक्ट पर टैप करेंगे। यहाँ से हम कोई भी नंबर एक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर उस नंबर पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ से 3 डॉट बटन पर टैप करेंगे। अब यहाँ से हम इसे शेयर करेंगे। यहाँ से हम इसे जीमेल पर टैप करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। तो इस तरह से विंडो सामने आ जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ सेटिंग का सिंबल बना हुआ है, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ से देखिए जर्नल सेटिंग लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे और यहाँ 3 डॉट बटन पर टैप करके यहाँ से हेल्प एंड फीडबैक पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए सर्च ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर सर्च करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिलीट लिखेंगे। तो यहाँ देखिए डिलीट डिसेबल ऐप लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिलीट और डिसेबल ऐप ऑन एंड्रॉयड। यहाँ पर देखिए टैप ऑन एप्लीकेशन सेटिंग लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ से हम क्रोम पर सिलेक्ट करेंगे और इसे ऑलवेज पर टैप करेंगे। यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम गूगल सर्च कर लेंगे। गूगल सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम सर्च करेंगे vnrom.net/bypass। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर टैप कर देंगे। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा। अब हम इसे ड्रैग करके ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एपेक्स लॉन्चर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर एपेक्स लॉन्चर लिखा हुआ है, इस पर हम टैप करेंगे। यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से इसे अलाउ करेंगे और फिर ओके कर देंगे। इस तरह से हमारी एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी फाइल भी हमको डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, FRP VN ROM APK फाइल लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे और इसे भी ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। अब यहाँ से 3 डॉट बटन पर टैप करेंगे, उसके बाद डाउनलोड पर टैप करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी दोनों फाइलें डाउनलोड हो रही हैं और यहाँ पर दोनों फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर एपेक्स लॉन्चर फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हमको एक अननोन सोर्स ऑप्शन को इनेबल करना होगा। ये देखिए यहाँ पर अननोन सोर्स लिखा हुआ है, इसको इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद यहाँ से हम बैक जाएंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मेन्यू बटन पर टैप करेंगे और सेटिंग में जाएंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको इस फ़ोन का मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में टैप करने के बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे और देखिए यहाँ पर डिवाइस लिखा हुआ है, उस पर हम फाइंड माई डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट होने के बाद अब हम इसे बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ऐप्स कहीं पर लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर ऐप्स लिखा होगा, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद थ्री डॉट बटन पर टैप करेंगे और शो सिस्टम पर टैप करेंगे। अब यहाँ से हमको एक दो फाइलों को, यहाँ पर एक दो एप्लीकेशन को डिसेबल करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे डिसेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गूगल अकाउंट मैनेजर लिखा हुआ है, इसे ओपन करेंगे और यहाँ डिसेबल से इसे डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ से इसे ऊपर करेंगे और ये देखिए गूगल प्ले सर्विस लिखा हुआ है, इसे भी डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद अब हम यहाँ से इसे बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अकाउंट में जाएंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ से हम पूरा बैक करेंगे, यहाँ से हम इसे डायरेक्ट बैक करते चले जाएंगे। फिर से आपको वही सब करना है, या फिर आप यहाँ से वो ना करें तो यहाँ से आप डायरेक्ट बैक बटन दबाते जाइए, बैक एकदम बैक करते जाइए। जब यहाँ से आप एकदम से बैक करते जाएंगे तो आप उस जहाँ पर आपकी दो फाइलें डाउनलोड आपने की हैं उस जगह पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आप ये करें तो ये कर सकते हैं, वरना आप सीधा बैक करते जाएंगे। बैक करते समय आप इस तरह से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, पूरा बैक कर देना है आपको। अब यहाँ से हम FRP फाइल को इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ से इसे डन करेंगे और एपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल करेंगे। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से मेनू बटन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद फिर से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इसे ऊपर करेंगे और यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ अकाउंट पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद एडिट अकाउंट पर टैप करेंगे और यहाँ से गूगल पर टैप करेंगे। गूगल पर टैप करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर हम एक न्यू ईमेल आईडी डालेंगे। जो भी आपने न्यू ईमेल आईडी क्रिएट की हो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद इसे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप आई एग्री पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ईमेल आईडी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर से हम ऐप्स फोल्डर में जाएंगे। ऐप्स फोल्डर में जाने के बाद थ्री डॉट बटन और फिर शो सिस्टम पर टैप करेंगे। उसके बाद हमको जो हमने फाइल डिसेबल की थी उसे हमें इनेबल करना है। तो यहाँ पर गूगल अकाउंट मैनेजर को इनेबल नहीं करना है और यहाँ से हम सीधा गूगल प्ले सर्विस को इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस को हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मोबाइल को ऑन होने तक। ये देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। अब फिर से हम गेट स्टार्ट पर टैप करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर टैप कर देंगे, यहाँ से सेटअप न्यू पर टैप करेंगे और यहाँ से देखिए डोंट यूज़ एनी नेटवर्क पर टैप करेंगे और इसे कंटिन्यू पर टैप कर देंगे।
अब फिर से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से इसे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ से सेटअप लेटर लिखा हुआ इस पर टैप करेंगे और यहाँ से आप एपेक्स लॉन्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और अनलॉक भी हो चुका है। तो यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे और जो हमने दो एप्लीकेशन डाउनलोड की थी उनको हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से दोस्तों हमको एपेक्स लॉन्चर अनइंस्टॉल करना है और दूसरा FRP बाईपास फाइल जो हमने डाउनलोड की थी वो। तो यहाँ पर एपेक्स लॉन्चर लिखा हुआ है, इसको हम सबसे पहले अनइंस्टॉल कर देते हैं। एपेक्स लॉन्चर अनइंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर बाईपास FRP फाइल को भी अनइंस्टॉल कर देते हैं। इस तरह से हमारी दोनों फाइल जो हमने डाउनलोड की थी वो दोनों फाइल अनइंस्टॉल कर दी हैं। अब यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने डाली है वो भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट बटन बनी हुई है, इस पर टैप करेंगे और रिमूव अकाउंट पर टैप कर देंगे। तो इस तरह से आपकी यहाँ से ईमेल आईडी भी रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।